जाली नोटों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार भले ही नोटबंदी जैसी योजना लेकर आए, लेकिन आज भी नकली नोटों के कारोबार धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गोंडा जिले में देखने को मिला है, जहां पुलिस ने बड़े स्तर पर नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके पास से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। बता दें कि कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5,90,000 के जाली नोट और 95,000 असली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही नकली नोट बनाने के उपकरण, एक कार और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि आरोपी चनपत, गोंडा और बहराइच के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोंडा से तुफेल खान की रिपोर्ट। आज भोर में थाना कोतवाली नगर को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि लोगों को झांसा देकर नकली नोटों का कारोबार करने वाले कुछ लोग थाना कोतवाली नगर के सोनी गुमटी क्षेत्र में ये नकली नोट अदला बदली करने वाले हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर की टीम और एसओजी टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया।